आज अपन पढ़ेंगे सेल एंड सेल थ्योरी। ठीक है, देखो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं सेल की स्ट्रक्चर का जो कि जो स्टडी करते हैं उसी को साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है वो, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहलाता है। द वर्ड सेल इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स ए लिटल रूम और स्मॉल कंपार्टमेंट। मतलब जो सेल शब्द जो है वो एक लेटिन वर्ड है सेलुला, उससे इसकी ओरिजिन हुई है, और जिसका मीनिंग जो होता है, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है लिटिल रूम या छोटे छोटे कंपार्टमेंट। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया और उसको नाम भी दिया। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फंक्शन फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। सेल के की स्ट्रक्चर फंक्शन और रिप्रोडक्शन, इस सब की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। एंटोन वॉन ल्यूहेनबर्ग ने 1674 में ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप द फ्री लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया प्रोटोजोआ आरबीसी स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन सीटीसी। देखो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को सबसे पहले देखा था वो डेड सेल थी, ठीक है, मतलब डेड मरी मतलब मर्द कोशिकाओं को देखा था। और एंटोन वॉन ल्यूहेनबर्ग ने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ आरबीसी स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन, इन सबको एंटोन वॉन ल्यूहेनबर्ग ने सबसे पहले देखा था। इसके बाद सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है वो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लाइफ की। सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी इकाई ऑर्गेनिज्म की सेल कहलाती है। अब अपन देखेंगे सेल थ्योरी, मतलब सेल के बारे में कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कई सारी थ्योरी दी। तो सबसे पहले 1838 में जेकोब मैथाइस ने, और स्लाइडर 1860 1881 में, सबसे पहले इसने बताया कि सेल देट आल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल, कि सभी प्लांट जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं। उसके बाद एक साल बाद जस्ट 1839 में थियोडर स्वान, और जर्मन, ये जो है जर्मन जूलॉजिस्ट था, तो इसने बताया कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। इसके बाद सेल थ्योरी वाज रिफाइंड फर्दर इन 1885 में वेन जर्मन बायोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चो प्रजेंट द आइडिया दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जाइटिंग सेल। इसके बाद 1885 में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि सेल जो होती है वो पहले से निर्मित किसी सेल से ही बनती है, मतलब प्रेजेंटेड इन द आइडिया दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जाइटिंग सेल, जो पहले से बनी सेल होती है उन्हीं से नई सेल का निर्माण होता है, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में। इन्होंने ही एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन एज ओमिनिन सेलुला ई सेलुलाई मिंट द सेल्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जाइटिंग सेल। इन्होंने ओमिनिन सेलुला ई सेलुलाई का एग्जाम्पल भी दिया और बताया कि सभी सेल जो है पहले से निर्मित सेल से ही फॉर्मेशन होता है। इसने इसके बेस पे चार बातें बताई कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल और या सेल से बने प्रोडक्ट से ही बनते हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल, सभी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, इससे अपन कह सकते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम फ्री एग्जाइटिंग सेल्स एनी बाय डिविजन, सभी सेल जो है पहले से निर्मित सेल से बनती है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, सभी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक अपनी अपनी लाइफ को जो स्टार्ट करता है वो एक सिंगल सेल से करता है। इसके बाद अपन देखते हैं, ये चार बातें बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल। द बेसिक शेप ऑफ यूकेरियोटिक सेल, जो यूकेरियोटिक सेल की अगर बेसिक शेप की अगर अपन बात करें तो स्फेरिकल शेप होता है, लेकिन कई बार जैसे सेल की कंडीशन के बेस पे ये इसका चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है इसके बेस पे। इसके बाद अमीबा प्रोटियस इज बिगेस्ट अमंग ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी सेल है अमीबा प्रोटियस। इसके बाद माइकोप्लाज्मा गोलिसेप्टियम, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ओव्यूल ऑफ साइकस, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी सेल है। ऑस्ट्रिच एग, ये लार्जेस्ट एनिमल सेल है। इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा सेल ऑफ मोनिला हैम्प, ये प्लांट की सबसे लंबी सेल है, प्लांट लॉन्गेस्ट सेल। और नर्व सेल, ये एनिमल की सबसे लंबी सेल है, एनिमल लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्लांट सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। देखो प्लांट सेल इस तरह से होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो होता है सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है,
मोटी, काफ़ी ज़्यादा मोटी सेल वॉल पाई जाती है। देखो ये इसमें सेल वॉल है, ये इसके बाद इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसमें मिडिल लेमिला, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें जगह जगह क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER भी कहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER भी कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ब्रा होता है इसमें, ये इसमें वैक्यूल होती है, ये इसमें राइबोसोम, इसके बाद ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद ये न्यूक्लियोलस और ये माइक्रोट्यूबल्स। इस तरह से प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लांट सेल की अगर अपन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी थिक होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी कि वही सब स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे इसमें क्लोरोप्लास्ट और मोटी थिन वॉल, थिक वॉल ये सब नहीं पाई जाती। इसमें देखो ये गोल्जी बॉडी, ये इसमें न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस, और ये माइक्रोफिलामेंट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें SER और RER दोनों है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से एनिमल सेल के स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल को तीन टाइप में डिवाइड किया गया, मतलब तीन प्रकार में डिवाइड किया गया। प्रोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब अपन देखते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ये इसके एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि जितने भी है ये प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। और सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, जितने भी सेल ऑर्गेन होते हैं वो सब एब्सेंट होते हैं। DNA स्केटेड इन प्रोटोप्लाज्म, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट इन DNA, इसमें DNA वगैरह सब एब्सेंट होता है। और इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर अपने एक बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इस तरह से दिखाई देता है। ये देखो इसमें ये मिजोसोम, ये न्यूक्लियोइड, ये इसमें कैप्सूल हो गया, कैप्सूल की वॉल हो गई, और ये फ्लेजिला, फ्लेजिला के बाद ये सेल वॉल हो गई, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्म। इस तरह से साइटोप्लाज्म का होता है। इस तरह से अपन प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। अब अपन देखते हैं मीजोकैरियोटिक सेल। मीजोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है डायनोफ्लेजिलेट में मीजोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, बट स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें स्टोन प्रोटीन जो है ये एब्सेंट है। अब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में ये इसके एग्जांपल है फंजाई, प्रोटिस्टा, हायर प्लांट और एनिमल जितने भी आते हैं उनमें सब में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, अपन में भी। तो ट्रू न्यूक्लियर, इसकी अगर अपन फीचर की बात करें तो ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियो और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल्स सब प्रेजेंट होते हैं। स्टोन प्रोटीन और DNA मिलकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। स्टोन प्रोटीन और DNA दोनों मिलकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ये 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया में, और लीनियर DNA प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, इस तरह से अपन तीन टाइप की सेल के बारे में पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक टॉपिक देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ए टाइपिकली प्लांट सेल टू मेन पार्ट्स। अगर अपन बात करें माइक्रोस्कोप में स्टडी के बाद, तो प्लांट सेल को जो है अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग कौन से, एक को सेल वाल और एक को साइटोसोम कहते हैं। प्लांट सेल को दो भागों में डिवाइड, सेल वाल और एक साइटोसोम। सेल वाल की बात करें तो इसमें तीन तरह की वॉल पाई जाती है, चार तरह, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल और मिडिल लेमिला। इसके बाद अगर अपन साइटोसोम की बात करें तो साइटोसोम में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दो टाइप की का साइटोसोम होता है इसमें। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है साइटोसोम। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है वो तो आगे कुछ नहीं, लेकिन प्रोटोप्लाज्म को अपन दो भागों में फिर डिवाइड कर सकते हैं, एक न्यूक्लियो, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। अगर अपन बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म को भी दो भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक को हाइलोप्लाज्म और एक को ट्रोपोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म में नॉन लिविंग जितने भी होते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें वो सब पाई जाती है, इंक्लूजन, नॉन लिविंग इंक्लूजन। इसमें अगर रिजर्व मटेरियल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये सब, और सेक्रेटरी मटेरियल की बात करें तो एंजाइम, पिगमेंट, और एक्सक्रेटरी मटेरियल की बात करें तो टेनिन्स और इसेशनल ऑयल्स, मिनरल ये सब, ये हाइलोप्लाज्म में आते हैं। ठीक है, और अगर साइटोप्लाज्म में ट्रोपोप्लाज्म की अगर अपन बात करें तो इसमें लिविंग इंक्लूजन आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, ये सब इसमें ट्रोपोप्लाज्म में आते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म का सेकेंड वाला पार्ट, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और एक को कहते हैं क्रोमेटिन नेट। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड होता है, कैरियोलिम्फ और एक न्यूक्लियोलस।
और क्रोमेटिनेट ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक को न्यूक्लिक एसिड और एक को प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है, प्रोटीन स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। इस तरह से अपन आज सेल स्ट्रक्चर और सेल के बारे में कुछ पढ़ते हैं।